अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एज़ यू नो, वी आर स्टडिंग द कोर्स ऑफ MTA 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड टुडे आवर लेक्चर ऑफ डिस्कशन इज लेक्चर नंबर 37, पैटर्न्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बायनोमियल पर्सन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस पार्ट नंबर 1। बट कंटिन्यूएशन भी है ये लेक्चर नंबर 36 की। और आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो लेक्चर्स लेंथी हैं या टॉपिक्स डिफरेंट आ रहे होते हैं तो उनको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, और लेक्चर नंबर 37 को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पार्ट नंबर 1 है, तो पार्ट नंबर 1A एंड 1B में डिवाइड किया है। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 1A। बट टुडेज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर, दैट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 35, लेक्चर नंबर 36, जिसमें हम प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, और आज भी हमने उसी को ही कंटिन्यू करना है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। अ फर्म हैज़ द फॉलोइंग रूल्स, प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में ही पढ़े हैं, तो इसको इन डिटेल स्टेप वाइज देखते हैं कि किस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज़ बना सकते हैं। When a worker comes late, there is 1/4 chance that he is caught. First time he is given a warning, second time he is dismissed. What is the probability that a worker is late 3 times is not dismissed? यानी कितनी probability है, यानी कितनी बार ये event occur करेगा कि जब worker late हुआ है 3 बार और उसे dismiss नहीं किया गया। फर्स्ट हमें बताया गया है कि अगर एक वर्कर जॉब से लेट हो जाता है तो 1/4 चांसेस हैं कि उसे पकड़ा जाए या फिर उसे वार्निंग दी जाए, और सेकंड टाइम उसको वार्निंग नहीं बल्कि डिसमिस कर देंगे। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कितनी बार अकरेंस होगी कि वो 3 बार लेट हुआ है। वर्कर इज़ लेट 3 टाइम्स इज़ नॉट डिसमिस्ड, इसे डिसमिस नहीं किया गया। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ट्री टाइप एग्जाम्पल की हुई है, थोड़ी सी लेंथी है लेकिन स्टेप वाइज अगर सुकून से रिलैक्स होकर समझो तो समझ आ जाएगी। हाउ डू वी सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ दिस नेचर, द आंसर इज़ टू डिवेलप द डिफरेंट ऑप्शन फर्स्ट, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। फर्स्ट टाइम देखें, 3 टाइम्स की बात की है, पहले आप 1/1 चीज़ें देखो। जब 3 टाइम्स की बात की है तो फर्स्ट टाइम हमने 3 स्टेजेस बना ली, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। दे फर्स्ट टाइम भी 2 ऑप्शंस होंगे, या तो पकड़ा जाएगा यानी कॉट, जिसे सी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्कॉट को, और नॉट कॉट के लिए हम यूज़ करें हैं NC। ठीक है, जब भी सी यूज़ करेंगे यानी कॉट, यानी पकड़ा गया, यानी उसको वार्निंग वगैरह नहीं दी, कॉट कर लिया गया, और क्या है नॉट कॉट, यानी उसे नहीं पकड़ा गया, वार्निंग दी गई। अच्छा जी, ये सेकंड स्टेज पर भी ऐसा है। अच्छा, याद रखिएगा सब में वही लिखा हुआ है, जस्ट फर्स्ट टाइम है तो 1/1 लिखा हुआ है, सेकंड टाइम है तो 2/2 लिखा हुआ है, थर्ड टाइम है तो 3/3 लिखा हुआ है, क्योंकि हमने फाइंड ही 3 टाइम्स वाले को डिसमिस नहीं किया, वो देखना है। ठीक है, याद रखिएगा 1 यानी फर्स्ट टाइम स्टेज की बात हो रही है, सेकंड यानी 2 लिखा होगा तो 2 टाइम की बात हो रही है, थर्ड होगा तो 3 टाइम की बात हो रही है, यानी थर्ड टाइम उसने ये काम किया है। अब सी कॉट के लिए यूज़ होगा, NC किसके लिए, नॉट कॉट के लिए यूज़ होगा। लेट्स सी द कॉम्बिनेशन, आप किस तरह से कॉम्बिनेशंस आप लोग बना सकते हो। फर्स्ट स्टेज यानी 2-2 करके बनाते हैं, जब भी आप कॉम्बिनेशंस बनाते हो ना, यानी जितनी भी गिवन हो आप 2-2 का करो, फिर उन 2 का जो आंसर आता है उसको थर्ड के साथ करो, फिर थर्ड के साथ जो आंसर आता है, फिर आगे जो स्टेजेस हैं उनके साथ आपने करना है। फर्स्ट 2 को करते हैं, पहले आपने करना है ये कॉट को पकड़ो, 1C है तो सेकंड स्टेज तक करना है ना। 1C को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके साथ लिखेंगे, यानी स्टेज 2 के साथ, तो 1C एंड 2C, और एक ही बार अकर कर रहे हैं इसलिए हम एंड यूज़ कर रहे हैं, एंड यूज़ कर रहे हैं यानी मल्टीप्लाई का साइन आएगा, वो आगे जाके मल्टीप्लाई देखेंगे, लेकिन एंड रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो 1C को पहले 2C के साथ, 1C को ही आप देखोगे देन 2NC के साथ, यानी 1C को लिया, इन दोनों के साथ लिख दिया, हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये 2 आ गए आपके पास। अब ये 1NC को पकड़ो, 1NC को लिया पहले 2C के साथ आ गया, 1NC को ही लिया 2NC के साथ, राइट, हो गया, यानी 4 टाइम्स आपके बन गए। अच्छा, ये तो हो गया 2 के साथ। अब ये जो 1 और 2 स्टेज को कंबाइन करने के बाद जो कॉम्बिनेशन आया, उसको अब थर्ड स्टेज के साथ देखते हैं। ठीक है, तो इस थर्ड के साथ बस ये नज़र आए हमें। ओके, अब आपने क्या करना है, 3C है, ठीक है, ये आंसर आया, ये आंसर, इसको पहले इसके साथ, 1C एंड 2C को 3C के साथ, ठीक है,
फिर इसको लो, यानी ये सारे पकड़ के इस सब के साथ पहले लिख लो, इन एक दो तीन चारों को, इन चारों को पहले इसके साथ लिखना है, फिर इन चारों को इसके साथ लिखना है, ठीक है। तो 1C एंड 2C एंड 3C आ गया, फिर 1C एंड 2NC, फिर 3C आ गया, ठीक है, दोनों के साथ लिख लिया। अब आप क्या करोगे, आप चाहो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड वाला 1C एंड 2NC, फिर 3NC के साथ आ गया आपके पास, ठीक है, ये दो बार रिपीट हो रहा है, NC और NC के साथ आ गया। अच्छा, अब ये देखें, आप आपके पास आ जाएगा 1NC एंड 2C, पहले 3C के साथ लिख लो, ये आपके पास आ गया, ठीक है, 1NC एंड 2C, फिर 3NC के साथ आ गया। सेम इसी तरह से आप 1NC एंड 2NC, फिर पहले 3C के साथ लिख लो, फिर इसको इसके साथ करते करते ज्वाइन करते जाओ। क्या किया आपने, पहले ये कॉम्बिनेशन लिया, आप इसको ना इस तरह कर सकते, ये कॉम्बिनेशन लो पहले इन दोनों के साथ करो, इसको लो दोनों के साथ कर लो, इसको लो दोनों के साथ कर लो, इसको लो दोनों के साथ कर लो, सारा करते करते आपके पास आंसर ये कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से थर्ड स्टेज के साथ भी करने के बाद ये मिले। यू सॉ दैट द फर्स्ट केस इज 1C एंड 2C, यानी दो बार पकड़ा गया। हेयर द एम्प्लॉई वॉज कॉट ट्वाइस एंड वॉज डिसमिस्ड, यानी यहाँ पर एक दो बार CC आ गया, यानी दो बार पकड़ा गया, और हमारे पास कंडीशन क्या थी, सेकंड टाइम पर उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। और इसी तरह से ही कैन नॉट कंटिन्यू, हैंस दिस केस वॉज क्लोज्ड हेयर। अच्छा, नाउ द प्रोबेबिलिटी बीइंग कॉट वाज, अब हम यहाँ पर जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स वाला हमने जो यूज़ किया था, प्रोबेबिलिटी बीइंग कॉट वाज 1/4, उसने कहा था ना 1/4 चांस है, चलो मैं दिखा देती हूँ, 1/4 चांस है कॉट यानी पकड़े जाने का। अब ना पकड़े जाने का कैसे चांस निकालेंगे, हमने एग्जॉस्टिव इवेंट जैसा, एज एन एग्जॉस्टिव इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग कॉट वाज 1 माइनस, यानी बीइंग कॉट, अगर कॉट हैपन्स और डज नॉट हैपन हो तो क्या फॉर्मूला होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, डज नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉट 1/4 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कॉट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये जो प्लस में 1/4 है तो 1 में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा एग्जॉस्टिव इवेंट्स का तो वहाँ पर जाके ये फार्मूला देख लें, और एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को एग्जॉस्टिव इवेंट वाला जो फार्मूला था वो अप्लाई करके दिखाया था। तो 4 1 4 -1 यानी 3/4। अब जहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉट की बात आएगी वहाँ आप यूज़ करोगे 1/4, और जहाँ पर नॉट कॉट की बात आएगी, एन सी की बात, जहाँ सी की बात आएगी 1/4, और जहाँ नॉट कॉट यानी एन सी की बात आएगी वहाँ 3/4 यूज़ करोगे। अब चलो हम प्रोबेबिलिटीज़ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखो आप, दो दो की जब हमने की थी, ये देखो जब दो दो की प्रोबेबिलिटीज़ वो पहले इस स्टेज में अप्लाई करके देख रहा है, 1C एंड 2C था ना, तो दोनों कॉट कॉट हैं, यानी 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, ये देखो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, यानी 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16। देन उसने क्या किया था, प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास 1C, आप इसी को ही देख लो, 3C में भी यही आता है हमारे पास, 2 की अकरेंस देख रहे हैं हम, 1C 2NC और 3C। तो यहाँ पर क्या होगा, 1C यानी एक बार अगर किया 1/4 है, नॉट सी की हमारे पास 3/4 है जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई है, यहाँ भी सी है तो मल्टीप्लाई 1/4, ये देखो 1 3 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 by 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64। सेम इसी वे में यहीं पर पुटिंग करते जाओ, अगेन आ जाओ, 1C 2NC है और 3NC है, तो क्या पुट करोगे, यानी सी की जगह 1/4 मल्टीप्लाई, और NC की जगह पर दो बार 3/4 3/4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो। आगे वाले में भी ऐसे पुटिंग करते जाओ, याद रखना जहां पर C आ रहा है वहां 1/4 लिखोगे, मल्टीप्लाई जहां NC आ रहा है वहां 3/4 लिखोगे, फिर नंबरेटर ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो, बाय नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये इस तरह से प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पर इसको समराइज करते हैं, द प्रोबेबिलिटीज़ फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स आर नाउ समराइज्ड बिलो। अब ये प्रोबेबिलिटीज़ कैसे थी, देखो हमने यहाँ पर यही वाली प्रोबेबिलिटीज़ है ना, इनको समराइज करके यहीं लिखा है, अब आपको ज़्यादा समझ आएगी। देखो फर्स्ट कॉट सेकंड कॉट डिसमिस्ड, हमें पता है जब 2 टाइम्स कॉट आएगा तो डिसमिस हो जाएगा,
तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी देखो, फर्स्ट टाइम कॉट यानी 1/4 प्रोबेबिलिटी, एंड टू सेकेंड टाइम भी कॉट तो डिसमिस हो गया, यानी अगली बार 3C यानी 3C तो लेने की बारी ही नहीं आई, 3C लेने की बारी ही नहीं आई, यानी सेकेंड सी पर ही वो क्या हो गया, डिसमिस हो गया। इसीलिए आगे किसी यानी 3C यानी थर्ड टाइम आपने 1/4 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, राइट हो गया। ये वही है ये जो मैंने अभी बताया था। अब है फर्स्ट कॉट यानी फर्स्ट कॉट, सेकेंड है नॉट कॉट, और थर्ड भी कॉट है, ठीक है। तो ये थर्ड भी कॉट है, तो हमें पता है फर्स्ट टाइम कॉट हो गया, सेकेंड टाइम नॉट कॉट है, थर्ड टाइम कॉट, यानी टू टाइम्स तो कॉट हो गया ना, पकड़ा गया, तो दो टाइम हो गया तो डिसमिस हो गया। अब क्या होगा प्रोबेबल, फर्स्ट कॉट 1/4, सेकेंड है नॉट कॉट, हमें पता है नॉट कॉट की 3/4 यूज़ करनी थी, थर्ड कॉट यानी 1/4 यूज़ करनी थी। अब दो टाइम कॉट हो गया, आगे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वही है मल्टीप्लाई करो, 1 3 3 और 4 4 16 16 4 64। इसी तरह से अब थर्ड लाइन पर आ जाओ, थर्ड है ना 1 1 2 3, थर्ड पर आ जाओ, ठीक है। थर्ड क्या है देखो, फर्स्ट ये इसको कर लो कंसीडर, फर्स्ट नॉट कॉट, सेकंड कॉट, थर्ड भी कॉट, देन टू टाइम्स हो गया, डिसमिस हो गया। सेम उसी वे में आप करते जो प्रोबेबिलिटीज ऐड करते जो, फर्स्ट नॉट कॉट, सेकंड कॉट, नॉट कॉट। अब देखो दो बार कॉट नहीं हुआ, जस्ट एक बार कॉट हुआ है, तो ये नॉट डिसमिस आएगा। इसी तरह से फर्स्ट टाइम कॉट हुआ है, सेकंड टाइम नॉट कॉट हुआ है, थर्ड टाइम हुआ है, तो ये भी नॉट डिसमिस्ड हो जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट कॉट हो गया, सेकंड नॉट कॉट हो गया, थर्ड भी नॉट कॉट हो गया, यानी तीन बार क्या है, दो बार नॉट कॉट आया तो हमारे पास नॉट डिसमिस हो गया, यानी दो बार आए तो तब जाकर ये होगा। और प्रोबेबिलिटीज़ वही यूज़ करनी है, यानी सी की बात आएगी तो 1/4 यूज़ कर लेना, एन सी यानी नॉट कॉट की आएगी तो 3/4 कर लेना, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर टू टाइम्स कॉट आ जाए तो थर्ड टाइम कॉट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डिसमिस हो जाएगा। इसलिए हमने जो 3C था वो यूज़ ही नहीं किया, यानी उसको थर्ड टाइम मल्टीप्लाई ही नहीं किया। अब इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटीज़ कैसे फाइंड करेंगे, पहले कॉट के लिए निकाल लेते हैं, फिर नॉट कॉट के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने देखना है कि कितनी बार डिसमिस हुआ और कितनी बार डिसमिस नहीं हुआ, एंड थ्री टाइम सेलेक्ट हुआ और कितनी बार डिस्कस। यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन था आई थिंक 3 times आया, और वो ये था, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज वर्कर इज़ लेट, 3 times इज़ नॉट डिसमिस, उसे डिसमिस नहीं किया गया, यानी नॉट डिसमिस निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट कैन बी वही एग्जॉस्टिव जो इवेंट्स वाला फार्मूला, बाय थिंकिंग दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप लोगों को पता है, सारे इवेंट्स एक ही बार में अक्कर, आपके पास जो और है वो क्या कहा था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, एक ही टाइम पर अक्कर ना करें। डिसमिस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसमिस्ड 1, डिसमिस्ड 2, डिसमिस, अब कितनी बार डिसमिस हुआ है पहले ये निकालना पड़ेगा, 1 time डिसमिस, 2 time और 3 time, जस्ट 3 time हुआ है, तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसमिस 1 2 3 times हुआ है, चलो पहली बार कब डिसमिस हुआ था उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, ये डिसमिस हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/64 लिख लिया, प्लस सेकंड टाइम कब डिसमिस हुआ था ये इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/64, और थर्ड टाइम कब हुआ था यहाँ 3/64। चलो कैसे निकालेंगे, ऊपर न्यूमरेटर जो होते हैं 4 + 3 + 3 क्या हो गया 10, नीचे क्या है 64 एज इट इज़ रहेगा, यानी 10/64 आ गया। आगे जो प्रोबेबिलिटी है वो आप एग्जॉस्टिव इवेंट्स को कंसीडर करते हुए जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 यूज़ करके, यानी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉट, अगर नॉट कॉट, कॉट की निकल आई है, नॉट कॉट की ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हो, यानी आप जस्ट करो यहाँ डिसमिस्ड लिखा हुआ है, आगे कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिसमिस्ड, ऐसे भी निकाल सकते हो, ये मैं यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ, ये रही। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द पी नॉट कॉट इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिसमिस्ड, अब पहले आपको देखना पड़ेगा कितनी बार नॉट डिसमिस आया, 1 2 3 4 times, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिसमिस्ड 1 2 3 4 आ गया, और उनकी प्रोबेबिलिटी नॉट डिसमिस्ड कहाँ है, ये रहा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 9/64 आ गया, प्लस
इसकी नॉट डिसमिस किया 9/64 आ गया, प्लस ये नॉट डिसमिस है 9/64 प्लस नॉट डिसमिस इसकी प्रोबेबिलिटी है 27/64। ऊपर वाली वैल्यू 9 + 9 + 9 + 27 = 54 होगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एग्जॉस्टिव या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कंसीडर करते हुए आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नॉट कॉट की ऐसे निकाल लो जैसे मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पर फॉर्मूला कॉट के लिए आ जाएगा 1 - p ऑफ नॉट कॉट। लेकिन आपने कॉट की निकाली है यानी पकड़े गए की निकाली है, नहीं पकड़े गए की निकालनी है, तो 1 - p ऑफ कॉट करोगे, ठीक है। ये ऑपोजिट, ये म्यूचुअली जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस लेक्चर में क्लियर नहीं किया तो आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगी। आप प्रीवियस लेक्चर में जाके इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें। इसका फॉर्मूला मैंने अप्लाई करना बताया था, वो भी देख लें। तो 1 - probability ऑफ कॉट क्या है, 10/64। नीचे क्या लिखा हुआ है, 64 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 ones are 64, -10 कर दोगे, 64 - 10 = 54 / 64। देखो तब भी वही आंसर आया, और जो मैंने यहाँ पर करके दिखाया था तब भी वही आएगा। यानी दोनों वेज में आप कर सकते हो, लेकिन हम बजाय इसका कि लेंथी कैलकुलेशन कर दें, हमने जस्ट एक फॉर्मूला यूज़ किया और उसको अप्लाई करके फॉर्मूला निकाले। सो वी हैव कम्प्लीटेड लेक्चर नंबर 37 पार्ट ए हियर। यहाँ पर हमारा पार्ट 1A कम्प्लीट होता है, क्योंकि थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं और लेंथी हो जाती हैं और थोड़ा सा ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हमने कॉम्बिनेशंस देखे हैं थोड़ा सा आपको बैठ कर पेज पर करना, बैठ के और कुछ कुछ समझ समझ के करना, तो ये आप लोगों से ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, यानी आपने जब ये कॉम्बिनेशंस वगैरह बनाए हैं, यहाँ पर एक को पकड़ के दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पकड़ के तीसरे के साथ किया हुआ, आप एक को लें और दूसरे सबके साथ कर लें, फिर दूसरे कॉम्बिनेशन को लें सबके साथ कर लें, आप इस वे में भी कर सकते हैं। जैसे आप मैट्रिक लेवल पर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते थे, सेम उसी वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।